प्रदेश में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण कर लिया गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान प्रदेश के भी हाल बेकाबू हो चुके थे, लेकिन सरकार और जनता की सूझबूझ के चलते संक्रमण को रोकने में सफलता मिली। प्रदेश में कोरोना के केसेस अब प्रतिदिन 50 से भी कम आ रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल RUHS में कोरोना मरीजों की संख्या 23 है। RUHS के अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि राजस्थान में कोरोना की संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू कर लिया गया, लेकिन संभावित तीसरी लहर चिंता बनाए हुए है। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की चिंता है, तो वहीं जेकेलॉन अस्पताल और RUHS में अलग से बच्चों के इलाज की व्यवस्था की गई है, साथ ही अन्य सुविधाओं को भी बढ़ाया जा रहा है। पिछला अनुभव रहा सेकेंड वेव का, जिसके अंदर अप्रैल और मई दो ऐसे क्रूशियल मंथ रहे जिसके अंदर हमें काफ़ी पेशेंट्स का IPD के अंदर एडमिशन भी हुए और उनको मरीजों को भी काफ़ी थोड़ी बहुत असुविधा का सामना करना पड़ा। लेकिन इस स्थिति से निकलने के लिए और तीसरी लहर में, क्योंकि जो थोड़ा बहुत टारगेट पॉपुलेशन पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप को मान के चल रहे हैं कि थर्ड वेव के अंदर बच्चों के ऊपर असर आने की संभावना है, उसको देखते हुए पूरे हॉस्पिटल्स के अंदर जो हमने 1200 बेड डेडिकेट कर रखे हैं वो तो है ही हैं, साथ ही उसके अलावा 100 बेड की राज्य सरकार ने स्वीकृति जारी कर दी थी, वो करीब करीब निर्माण कार्य पूर्ति की ओर है।